नमस्कार, मैं संदीप कुमार और एनपीजी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं रायपुर के गोल बाज़ार मार्केट में और होली का त्यौहार नज़दीक है और इसी को लेकर हम आज जानेंगे दुकानदारों से कि इस बार इनका मार्केट कैसा है और कितनी कुछ ग्राहकी इनके दुकानों पर आ रही है। हमारे साथ दुकानदार भी हैं, हम उनसे ही सीधे जानेंगे कि इस बार जो है आपका मार्केट कैसा है। इस बार मार्केट अब बहुत ठंडा है और क्या कोरोना वायरस आने की वजह से चाइना से तो लोग पिचकारियाँ बहुत कम खरीद रहे हैं। हर बार असल में ऐसा होता था कि जब होली आती थी तो इसके पहले ही बाज़ार गुलजार हो जाते थे, लोग दिखते थे और आप लोग के पास भी टाइम नहीं रहता था। इस बार क्या मिस कर रहे हैं? इस बार मिस इसलिए हो रहा है कि लोगों को भय बैठ गया कोरोना वायरस का, इसके कारण लोग भय के मारे पिचकारियाँ रंग नहीं खरीद रहे। और पिछले बार जो होली थी पूरा इस समय माल बिक चुका था, इस बार काफ़ी मात्रा में माल रुका हुआ है। क्या चाइना से भी पिचकारियाँ आप लोग मंगाए हैं? चाइना से ही पिचकारी आई थी 2 महीना पहले, पर उसका असर नहीं हो रहा है और ग्राहक लोग पिचकारी नहीं ले रहे चाइना का माल। अच्छा, तो ये जो पिचकारियाँ है, रंग गुलाल है आपके दुकान में, ये सब हाँ क्योंकि अब तो चाइना से आप लोग मंगाए नहीं है, तो ये क्या पहले ही आप लोग चाइना से मंगा लिए थे या अभी मंगाए? ये पहले ही मंगा लिए थे 2-3 महीना पहले, और अभी ये दिल्ली का माल ही जो बनता है, मैं दिल्ली का इंडिया का मार्केट का माल चल रहा है। रंग गुलाल सब ये हथरस से आती है, ये बहुत भारी मात्रा में बिक रहा है, चाइना का तेल हो गया है। क्या लग रहा है, आप दुकानदार हैं और अब होली का समय भी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, क्या लग रहा है इस बार ग्राहकी ऐसी ही रहेगी? इस साल ग्राहकी नहीं रहेगी, इस साल सब डर के मारे कोई नहीं खेल रहा होली। अब सबके बच्चे लोग की ढसस हो गई, मुंह में पट्टी लेके घूम रहे हैं, उनके स्कूल में भी ये खबर है कि अवैध घूम रहा है, भिलाई तक के पहुँच गया है और खतरे से खतरे बढ़ते जा रहा है। नहीं, हालांकि आप बोले कि भिलाई तक के पहुँच गया, मैं आपको बता दूँ कल स्वास्थ्य मंत्री ने पीसी की थी, पत्रकारों से बात की थी, उसमें कहा कि एक भी संदिग्ध छत्तीसगढ़ में नहीं पाया गया कोरोना का, इसके बावजूद भी जो है ग्राहकों में भय का माहौल है। हाँ, भय का माहौल चल रहा है, कुछ नहीं, अभी अपने छत्तीसगढ़ एरिया में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं मिला। क्या लगता है आगे ग्राहकी बढ़ेगी? आगे 2-3 दिन चिल्लर बाजार चलेगा, उम्मीद है भगवान की कृपा से कि पूरा माल बिक जाए। हम आपको दिखा दें कि देखिए काफ़ी सारी पिचकारियाँ हैं और इन्होंने काफ़ी पहले से भी मंगा के रखी थी, क्योंकि इनका कहना था कि हर बार जो है पिचकारियों का जो बाज़ार होता था वो काफ़ी अच्छा होता था। हम अंदर भी और दुकानदार हैं, कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग होली की ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं? नहीं, होली की ख़रीदारी में नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी दुकान में पिचकारी से भरा हुआ है, रंग गुलाल है, सभी चीज़ें हैं। भैया, इस बार कैसा है मार्केट? आप मार्केट भी इस बार स्लो है थोड़ा। क्या कारण? क्या कारण? ये बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर अफवाह उड़ी हुई है कोरोना वायरस करके, तो लोग थोड़ा घर से निकलने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी जैसे कि पहले तो चाइना से ही सबसे ज़्यादा माल मंगाते थे, लेकिन इस बार जो है चाइना से माल मंगाया नहीं गया है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो इस बार क्या ये जो पिचकारियाँ गुलाल है ये सब कहाँ से मंगाए? ये अपना लोकली भी मैन्युफैक्चर रहता है, कलर तो इंडिया का ही रहता है और कुछ खिलौने आइटम रहते हैं चाइना के, बाकी लगभग 90% चाइना पे डिपेंड है। उसके कुछ आइटम जो है इंडिया में भी बनते हैं, तो उतना असर नहीं पड़ा है पिचकारी में, और कुछ महंगाई के कारण भी हो गया है। अच्छा, दामों की अगर हम बात करें तो दाम इस बार कैसे? दाम तो भैया जो हमेशा रहते वैसे ही एवरेज है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अपना होलसेल भी काम है तो रेट के लिए दिक्कत नहीं रहता, बस ये है कि कस्टमर आए, कस्टमर निकल नहीं रहे अभी। वो होलसेल की बात कर रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है कि जैसे पिछले साल जिस तरह से मार्केट था, जिस तरह से आप लोगों का बाज़ार था, तो इस बार भी हो पाएगा ऐसा? अब उम्मीद पे तो भैया सब कायम है, क्योंकि टाइम अब कम बचा है होली के लिए और आप लोगों ने पहले से स्टॉक भर के रखा हुआ है दुकान। इस बीच में ये खबर आ गई कि कोरोना वायरस, लोगों में एक भय भी है कि कोरोना वायरस है, क्योंकि पिचकारी और गुलाल जो है अधिकतर चाइना से ही आते हैं। जी जी, तो क्या इसका भी आधा असर माने? इसका असर है भैया, 70% असर है अभी मार्केट पे। आप खुद देख रहे हो मार्केट पूरा खाली है, कस्टमर नहीं दिख रहे हैं मार्केट पर, असर आ गया है। और ऊपर से अफवाह आ गई है कि रायपुर में भी 2 पेशेंट मिले हैं, इस कारण से थोड़ा और कल से खाली दिख रहे हैं मार्केट पे, फ़र्क पड़ गया। क्या लग रहा है, कैसे है मार्केट आप लोगों को? बहुत ठंडा भैया मार्केट, भैया बहुत ठंडा है मार्केट, बहुत हालत ख़राब है। आज समाचार में बताया था भिलाई तक के बच्चे के एक तो लग गया है, बोले भिलाई तक पहुंच गया है, तो लोग डर के मारे और नहीं आ रहे। जो बच्चों लोग की स्कूलें भी मुँह में पट्टी जा रहे हैं, बच्चे लोग से लोग पूछते हैं ना तो बोले दहशत बैठ गई है। अब कैसे होगा, चूंकि आप लोग पहले से स्टॉक भर लिए हैं और इस बार मार्केट अगर ठंडा नहीं रहेगा तो अगले साल बिकेगा, माल तो ख़राब होता नहीं है ना।
माल तो बिकेगा भाई, कोई भी चीज़ संभाल के रखेंगे आदमी तो अगले साल बिकेगा। लेकिन इस बार काफ़ी घाटे में है, सब घाटे में चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान घाटे में चल रहा है, हमारे बड़े बड़े दिल्ली वाले व्यापारी भी बोल रहे हैं सब घाटे में। अच्छा, इसके बाद भी अभी कुछ ग्राहक जो आए होंगे उनसे आप लोगों की बातें हुई होगी, तो इनके और आपके बीच में क्या कुछ बातें हुई? इन्होंने कुछ ऐसा भी कहा कि नहीं भैया हमको चाइना से बनी हुई पिचकारियाँ नहीं चाहिए, जो देसी हो, मतलब जो दिल्ली उल्ली या और भी सामने के जो मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ की होती वो वाली पिचकारी को कोई डिमांड कर रहे हैं? नहीं, इसका उतना असर नहीं पड़ा। एक्चुअल में क्या है, अपना जो माल की खरीदी है 2-3 महीना पहले से आ जाता है स्टॉक, क्योंकि कोरोना वायरस का जो है अभी एक आध डेढ़ महीने से ज़्यादा हुआ है, तो उसका उतना असर नहीं है। यहाँ तो पब्लिक उतना समझती है, अगर रिसेंटली मंगाते तो कुछ चीज़ का फ़र्क रहता, जब कोई सोचता उतना वो नहीं है, लेकिन बस एक खौफ बन गया लोगों को कोरोना वायरस का, वही चीज़ के कारण थोड़ा मार्केट डाउन है। अगर इसी में अगर बात की, इसी में अगर बात की जाए तो पिछले बार आपका मार्केट कैसा था और इस बार क्या? मार्केट तो एवरेज ही चल रहा है भैया, पिछले 2 साल से नोटबंदी के वास्ते एवरेज ही चल रहा है मार्केट। अच्छा, तो मतलब पिछले बार जो है नोटबंदी का कहर था लोगों में, इस बार कोरोना वायरस का कहर आ गया। तो आपने सुना कि दुकानदारों का ये कहना है कि इस बार जो मार्केट है वो कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ठंडा है, और इन लोगों ने जो माल है 2-3 महीने पहले से ही मंगा के रख लिया था, इनको ये उम्मीद थी कि इस बार जो मार्केट है इनका जोर पकड़ेगा, क्योंकि पिछले साल जो है नोटबंदी का असर था इसलिए जो है मार्केट में अच्छे से माल इनका खप नहीं पाया था, लेकिन इनको इस साल काफ़ी उम्मीदें थी। इस बीच में ये खबर आती है कि कोरोना वायरस जो है वो उसका खौफ भारत में पहुंच गया है, और भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अब तक के एक भी संदिग्ध कोरोना वायरस का नहीं पाया गया है, और आप लोग जो त्यौहार है होली का वो खुलकर एंजॉय करें और बिना खौफ के एंजॉय करें। मैं संदीप कुमार, न्यू पावर गेम के लिए।